हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल लक्की स्टार। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग जिसे हमने अमेज़न के द्वारा फ़ोन मंगाया हुआ था। ये फ़ोन है दोस्तों रेडमी नोट 10s। इसे हम आज करने वाले अनबॉक्सिंग और आपको हम दिखाने वाले कि इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इसे आज की डेट में ये अमेज़न के द्वारा इसे ऑर्डर किया था, जो द ग्रेट फेस्टिवल चल रहा था इसी फेस्टिवल के दौरान हमने इसको ऑर्डर किया था। तो इसकी जो डिलीवरी डेट थी दोस्तों वो थी 3 अक्टूबर। हालांकि उसमें हमको शो हो रहा था कि आपको 6 अक्टूबर को मिल जाएगा, लेकिन ये आज लगभग 10 दिन बाद मेरे को मिला, क्योंकि बहुत ही भीड़ के कारण ये मुझको टाइम पे नहीं मिल पाया। मैंने कई बार कस्टमर केयर से बात भी की तो उन्होंने बताया कि आपको इसमें हमको मैंने लेट हो रही है इस फेस्टिवल के कारण। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हुए आपको हम बताते हैं कि क्या क्या इसमें मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं, यानी कि कहीं से इसको काटते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम यहाँ से इसको खोलते हैं पहले, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं। 1 मिनट, देख रहे हैं, काट रहे हैं इसको। ये देखिए दोस्तों, उधर से नहीं खुला, हम इसको इस साइड से ओपन करने की कोशिश करते हैं। ये जो अमेज़न का स्टिकर यानी कि जो सेलो टेप मारा गया, बहुत ही हैवी पैकिंग होती है, जिससे कि कोई जो कुरियर बॉय है या कोई भी कैंडिडेट जो बीच रास्ते में यानी इसको कोई मतलब खोल खाल के इसमें कुछ गड़बड़ी ना कर दे। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको ओपन कर लिया हुआ है, उसके बाद इसको हम निकालते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको एक इसमें जो हमारी बिल की स्लिप है वो यहाँ पर हमको शो हो रही है। जो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारी बिल की स्लिप है टोटल, जो यहाँ पर सारी डिटेल इसमें शो हो रहा है कि क्या हमने कितने में ऑर्डर किया हुआ था, देख सकते हैं। चलिए अब इसको हम साइड करते हैं, आपको हम फ़ोन दिखाते हैं आपको कि क्या इसमें कुछ आपको मिलने वाला है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग लुक है इसका। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रेडमी नोट 10s मेड इन इंडिया MI का फ़ोन है। हालांकि दोस्तों, इसकी और जो रियलमी 8 का फ़ोन है दोनों एक ही टक्कर के फ़ोन है। बस रियलमी जो 8 है वो 5G है और ये बस 4G है, ठीक है। लेकिन यदि आप रियलमी 8 परचेस करने जाते हैं तो वही उसके लिए आपको लगभग 70,000 के आसपास पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन जो इसकी प्राइस है ये लगभग आपको 14,000 के आसपास है। प्रेजेंट टाइम में इसकी जो प्राइस है दोस्तों वो 15,999 रुपये है, लेकिन मतलब यदि आप 6 और 128 लेते हैं तो आपको 15,999 पेमेंट करने होंगे। यदि आप वहीं पे 6 64 लेते हैं तो आपको 13,999 आपको पेमेंट करने होंगे, ठीक है। तो ये जो हमने फ़ोन परचेस किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको हमने परचेस किया, इसकी जो है 6GB रैम है और 64GB इंटरनल है। इसकी बैटरी जो हमको मिलती है वो 5000 बैटरी इसकी मिल जाती है। और जो इसका प्रोसेसर है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं हीलियो का ये प्रोसेसर है इसमें G95 का। और इसमें जो इसका कैमरा मिलता है वो हमको मिलता है 64MP का, इसमें हमको कैमरा मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं मेड इन इंडिया। और जो इसका जो डिस्प्ले है दोस्तों, ये सुपर एमोलेड इसमें डिस्प्ले मिलता है हमको। चलिए अब उसको हम ओपन करते हैं। देखिए दोस्तों, हम इसको ओपन कर रहे हैं। देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा फ़ोन यहाँ पे शो हो रहा है, यानी कि फ़ोन हमको मिल गया। कई बार लोगों को डर होता है दोस्तों कि क्या हम ऑनलाइन फ़ोन मंगाते हैं तो उसमें मतलब डर का विषय बना रहता है कि आपको सही फ़ोन आएगा कि नहीं, कुछ ईटा पत्थर तो नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आप अमेज़न द्वारा या फ्लिपकार्ट के द्वारा मंगाते हैं तो उसमें आपको डरने वाली कोई भी बात नहीं। ये देखिए दोस्तों, कितना स्मार्ट इसका लुक दिख रहा है, आपको देख सकते हैं कि बहुत ही अमेजिंग इसका जो लुक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही स्मूथली है आपको शो हो रहा होगा। जो इसका बैकग्राउंड कलर देख रहे हैं, ये जो एक कस्टमेटिक पर्पल कलर का इसका जो मतलब कलर है। यहाँ पे जो इसका कैमरा देख सकते हैं, ये फ्रंट बैक वाला, तो जो मेन कैमरा ये आपको 64MP का मिल जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको और साथ में 3 कैमरे और भी मिलते हैं, अल्ट्रा वाइल्ड उसके बाद, और उसमें ब्लर के लिए होता है, उसमें सेंसर भी मिलता है आपको। ये आपका फ्रंट कैमरा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं नीचे दोस्तों, आपको इसमें सी टाइप का चार्जर मिल जाता है, उसके बाद साथ में इसको ऑडियो जैक मिलता है, उसके बाद यहाँ पे आपको स्पीकर मिलता है। स्पीकर एक दोस्तों आपको नीचे मिलता है और एक आपको ऊपर मिलता है, यानी कि आपको इसमें 2 स्पीकर मिलते हैं, एक नीचे साइड में और एक ऊपर साइड में। और साथ में दोस्तों मिलता है आपको MI का रिमोट, जो MI के रिमोट में जो सेंसर होते हैं, MI के फ़ोन में जो सेंसर होता है MI रिमोट के लिए, वो आपको मिलते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों और क्या क्या हमको इसके साथ एसोसीज कुछ मिली होंगी। जैसा कि उसमें लिखा था कि सिर्फ आपको चार्जर दिया जाएगा,
लेकिन यहाँ पे एक पिन है, उसके बाद यहाँ पे कुछ ये लग रहा है बैक कवर है दोस्तों, हम इसको देखने लग रहा है यहाँ बैक कवर ही है। ये देखिए एक वाइट कलर का हमको इसमें एक बैक कवर भी मिला है, इसको भी हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। ये आपके यहाँ पे देख सकते हैं मेनू कार्ड है, क्या इसमें कितने सिम कार्ड स्लॉट लग सकते हैं वगैरह वगैरह। ये पिन है हमारा, साइड करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इसमें एक अडाप्टर मिला है जो है 33 वाट का चार्जर है, यानी कि बहुत ही फास्ट चार्ज करने वाला ये चार्जर है 33 वाट का। और यहाँ पे आपको एक मिलता है केबल जो कि सी टाइप का केबल आपको मिलता है, ये लगभग इसकी लंबाई जो है ये लगभग 1 मीटर के आसपास है, देख सकते हैं गाइस। इसको हम साइड करते हैं, ये देखिए, और इसमें कुछ खास नहीं मिला है आपको। देखिए फ़ोन देख सकते हैं दोस्तों जो इसका बैक का लुक है। उसके बाद इसको हम ओपन करते हैं, देखते हैं क्या ओपन होता है। यानी यह पे पावर बटन है दोस्तों, ये जो इसका फिंगरप्रिंट है ये इसका पावर बटन में ही मिल जाता है। और यहाँ पे ऊपर उसके साइड, ऊपर के साइड में उसका वॉल्यूम बटन है, इसको हम ओपन करते हैं फर्स्ट टाइम। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा फ़ोन ओपन हो रहा है, ठीक है। यानी कि हमको दोस्तों प्रोडक्ट अच्छा मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको प्रोडक्ट बिल्कुल क्लियर ही मिला है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि आपके फ़ोन में यदि आप कोई भी फ़ोन परचेस करते हैं किसी से भी अमेजन से फ्लिपकार्ट से, तो उसमें आपको रिटर्न या रिप्लेसमेंट की पॉलिसी होती है, आप सिंपली जाके वहाँ से रिटर्न या रिप्लेसमेंट कर सकते हैं दोस्तों। आपको उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, सिंपली आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको जब भी सामान परचेस करना है आपको ऑफिशियल साइट से करनी है, जैसे कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट। यदि अन्यथा यदि आप और बहुत से मतलब लोकल वेबसाइट उनसे आप करते हैं तो उसमें आपको घाटे में जा सकते हैं। पेटीएम से दोस्तों करते हैं, पेटीएम से भी लोकल, लेकिन पेटीएम मतलब बहुत ही घटिया, मतलब उससे आप नहीं करिए तो अच्छा है, क्योंकि वो मतलब मैंने उस पर कई सामान मंगाया, उसमें मुझे बहुत ख़राब ख़राब सामान दिया उसमें। आप दोस्तों एक और आपको बात बता देता हूँ मैं, कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करिए उसमें आप ये ध्यान रख लीजिए कि आपका कैंसिलेशन या रिप्लेसमेंट, आपको सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि आपका जो प्रोडक्ट का वहाँ पे नीचे रहता है कैंसिलेशन है, फुल कैंसिलेशन या रिटर्न पॉलिसी है, या जो उसमें क्या बोलते हैं जो रिप्लेसमेंट है, तो इन बातों को आप ज़रूर ध्यान दे के ही आप फ़ोन परचेस करिए। अन्यथा मान लीजिए आप इस भ्रम में रहेंगे कि चलिए फ़ोन यदि हमारा कुछ गड़बड़ आता है तो हम उसको रिटर्न कर देंगे, लेकिन उसमें आप ध्यान ये दे लीजिएगा, ज़रूर केयर जरूर करिएगा कि वहाँ पे रिप्लेसमेंट है या रिटर्न है। ओके फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल टेक्निकल लक्की स्टार को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों।